दो साल बाद उदयपुर में फिर से जुलूस से मोहम्मदी निकाला जाएगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अंजुमन से मल्ला तलाई अमृत रसूल बाबा दरगाह तक मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस में साउंड, प्राइवेट गाड़ियां व महिलाओं की पूर्ण तरह पाबंदी रहेगी। इसका रूट अंजुमन चौक से सिंधी बाजार होता हुआ बड़ा बाजार, घंटाघर, हाथी पोल, सिलावटवाड़ी, नई पुलिया, अंबावगढ़, कच्ची बस्ती, राड़ाजी चौराहा, छीपा कॉलोनी, मल्ला तलाई, बड़ी मस्जिद, मल्ला तलाई चौराहा होते हुए अमृत रसूल बाबा दरगाह पहुंचेगा, जहां मौलाना जहीरुल हसन साहब के आस्थाने पर चादर पेश की जाएगी। आज ना 7 तारीख 8 तारीख जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत का जश्न अंजुमन तालीम इस्लाम चौक में मनाया जाएगा, जो रात को 9 बजे से चालू होगा, जो मध्य रात्रि तक चलेगा। उसमें बाहर से आए उलमा सरकार की सीरत पर बयान करेंगे, इसलिए तकरीर करेंगे, सरकार के अदब का अदब और आदाब का व्याख्यान करेंगे। और 9 तारीख को जुलूस मोहम्मदी अंजुमन से रवाना होगा, जो अंजुमन तालीम इस्लाम की सदारत में रवाना होगा। अंजुमन तालीम इस्लाम में 19 मोहल्लों के जुलूस अंजुमन तालीम इस्लाम शामिल होते हैं। इस जुलूस में अंजुमन से खांजी पीर, पटेल सर्कल, गोसिया कॉलोनी, सवीना वर्मा कॉलोनी, जहांगीरपुरी, जहांगीर मस्जिद का जुलूस अंजुमन से शामिल होगा, जो सूरज पोल से चलेगा। और हाथी पोल से आयड़पाड़ा, सवीना आयड़पाड़ा, अलीपुरा, धोली बावड़ी, यहाँ के जुलूस आकर आलू फैक्ट्री और यहाँ के जुलूस आकर शामिल होंगे। 2 बजे जुलूस रवाना होगा, जो शाम को 6 बजे वहाँ पे अमृत रसूल बाबा बड़े मौलाना जहीरुल हसन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पर चादर शरीफ पेश की जाएगी अंजुमन की ओर से। और इस जुलूस में DJ की पाबंदी रहेगी, आतिशबाजी की पाबंदी रहेगी, और औरतों के लिए मनाही है, और सभी पैदल चलेंगे, प्राइवेट वाहन कोई भी अलाउ नहीं है, सिर्फ मौलाना साहब की बग्घी और जो भी जुलूस में ज़रूरत है वो चीज़ें शामिल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद मास्टर बैंड मास्टर बुलबुल बैंड की तरफ से और तमाम अहले ख़ानदान की तरफ से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करता हूँ कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के सदक़े में, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े तफर में, तमाम हिंदुस्तान में, तमाम दुनिया में अमन अमान रखे और तमाम हिंदू मुसलमान तमाम कौमों की मोहब्बत कायम रखे। और सभी के लिए दुआ करता हूँ कि सभी के लिए बेहतर से बेहतर साल हो रोज़गार में, कारोबार में। और सभी से दुआ करता हूँ कि हम सभी मिल्लत से और मोहब्बत से रहें। अस्सलाम वालेकुम।